वेलकम टू ईशानी वीडियोस। भाग्य लक्ष्मी से जुड़ा हुआ एक नया प्रोमो रिलीज किया गया है, जिससे जुड़ी कई सारी खास बातें सामने आ रही हैं। अब यहां पर ऋषि और लक्ष्मी को अलग करने के लिए अब लिया जाएगा सहारा एक पंडित का, जो कि यहां पर पैसों के लालच में काफी ज्यादा नाचते हुए नजर आएगा। उसके साथ साथ आने वाले एपिसोड में काफी ज्यादा तगड़े ट्विस्ट आने वाले हैं। ऋषि और लक्ष्मी की नजदीकियां बढ़ते हुए दिखाई देंगी। ऋषि और लक्ष्मी दोनों एक दूसरे के नजदीक आएंगे। इसी बात को देखकर मलिष्का सबसे बड़ा कदम उठाएगी और उसके साथ साथ ऋषि और लक्ष्मी को अलग करने के लिए काफी ज्यादा चालें चलेगी, जिसमें से तीन चाल सबसे ज्यादा खास रहेगी। वो कौन सी तीन चालें हैं और क्या दिखाया गया है प्रोमो में, चलिए आपको सारी बातें बताते हैं इस वीडियो के अंदर। लेकिन उसको बताने से पहले आप सब एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमें अप्रिसिएशन मिले और हम आपको ऐसे ही रियल और इंटरेस्टिंग अपडेट हमेशा प्रोवाइड कराते रहें। आप सबको आने वाले एपिसोड में और इस नए प्रोमो में देखने को मिलेगा कि आखिर में सबसे पहले ऋषि और लक्ष्मी दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं। वो एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये बात पता चल जाती है मलिष्का को, जो कि उसकी इनसिक्योरिटी और बढ़ा देती है। मलिष्का और ऋषि यहाँ पर दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार करते हैं, ऐसा लक्ष्मी सोच रही थी। लेकिन ऋषि के मन में सबसे ज्यादा प्यार लक्ष्मी को लेकर है। ये यहाँ पर पूरी तरह से कन्फर्म होने वाला है आने वाले एपिसोड में। और उसके साथ साथ इसी पूरी तरह से कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए और उसके साथ साथ यहाँ पर लक्ष्मी को अपशगुनी बताने के लिए एक नया प्लान बनाया है मलिष्का ने, जिसमें वो यहाँ पर किसी की मदद ना लेकर करिश्मा के यहाँ पर बताए हुए कदमों पर चलती है। वो यहाँ पर एक नए पंडित को हायर करती है, पंडित को पैसे देती है और जन्म कुंडली देकर उसे बोलती है कि तुम्हें ये जन्म कुंडली देखकर ऋषि और लक्ष्मी को अलग करके बोलना है और उसके साथ साथ लक्ष्मी को तुम्हें बताना है कि वो अपशगुनी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पंडित पहले ये पूरी तरह से देखता है, कुंडली देख के वो हैरान होता है। पंडित ये सारे काम करने से मना करता है, लेकिन कुछ और पैसों की लालच देकर लक्ष्मी के खिलाफ यहाँ पर पूरी तरह से कामयाब हो जाती है पंडित को लाने में, वो भी मलिष्का। और यहाँ पर ये अपना प्लान एग्जीक्यूट कर देती है। वहीं नीलम काफी ज्यादा मानती है पंडितों में और यहाँ पर बाकी सब लोगों में, जिसके बाद में इसी का वो फायदा उठाते हुए नजर आएगी। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि पंडित को बुलाया जाएगा और उसके साथ साथ जैसे ही यहाँ पर ऋषि और लक्ष्मी घर के अंदर एंट्री करते हुए दिखाई देंगे, तभी यहाँ पर मलिष्का लक्ष्मी को घर के अंदर आने से रोक लेगी और उसके साथ साथ यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल उठाएगी कि आखिर में यहाँ पर तुम लक्ष्मी आ नहीं सकती, तुम सबसे ज्यादा बड़ी अपशगुनी हो, सबसे बड़ा कारण कुछ और नहीं, जब भी तुम यहाँ पर होती हो वो भी यहाँ पर ऋषि के करीब, वहाँ पर उसके पास में मुसीबतें आई जाती हैं, चाहे जब ले लो, जब भी वो यहाँ पर तुम्हारे साथ रहा है हमेशा वो मुसीबत में पड़ा है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ नेगेटिव पॉइंट्स दिखाए जा रहे हैं मलिष्का की तरफ से बाकी घर वालों को, जिसको लेकर नीलम काफी ज्यादा चौंकने वाली है। और उसके साथ साथ जब यहाँ पर पंडित से जुड़ा हुआ राज खुलेगा कि आखिर में पंडित यहाँ पर बोलते हुए नजर आएगा कि लक्ष्मी सच में अपशगुनी है, वो भी यहाँ पर पैसों के लालच में, तब पूरी तरह से कहानी बदलने वाली है। अब देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि आखिर में ऋषि लक्ष्मी का सपोर्ट करेगा या फिर वो यहाँ पर मानेगा, वो भी एक कुंडली की बात। तो आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। थैंक यू।